तो गाइस मेला लगा है और गुज्जर जरूर आएगा मेले में। हे गाइस वेलकम बैक इन न्यू वन ब्लॉक, और आज हम जाने वाले हैं मेला देखने। चला जा भोसड़ी के, गजब बेइज्जती है। तो मेले में क्या क्या लेना है अपन? हमको फुग्गा लेना है, चूड़ियाँ लेना है और घड़ी लेना है और हमारे कपड़े लेना है। अच्छा, और अपन को? मुझे खिलौने लेना है और मुझे चश्मा लेना है। बस तो चलो, बहुत सारी चीजें आई है मेले में, और क्या क्या आई है वो भी देखते हैं। चले, तो रंग पंचमी के इस पावन पर्व पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन है। और फिलहाल अभी मैं छत पर हूँ और यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या नज़ारा है यहाँ का। तो मेरे बैक में आप देख सकते हैं पब्लिक धीरे धीरे बढ़ रही है, और अभी एक हिस्से की पब्लिक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरफ का नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको, कि जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे पब्लिक यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये ऐतिहासिक मेला है ग्राम सिंगोड़ी का, जो कि सतगुरु के दरबार में लगता है। पिछले दो वर्ष से कोरोना काल में यह मेला नहीं लग पाया था, जिसकी वजह से इस वर्ष अनुमति मिली है। अभी हम जीवित समाधि स्थल में भी जाएंगे और वहां से भी आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों मैंने भी ये खरीद लिया है, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। तो बस निकलने वाले इन लोगों के साथ चले। तो झूला भी लगा है आगे, हम झूला भी झूलेंगे, और भूख भी लगी तो भंडारा भी चल रहा है, खान उपाने लगे हैं। नहीं मानेंगे मतलब भंडारा खाएंगे ही भंडारा। रुको जरा, सबर करो। तो इस वक्त मैं मेन रोड पर हूँ, और मेरे पीछे का नज़ारा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके हेड करके दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर, और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। तो चलो फिलहाल तो आगे चलते हैं। तो गाइस मेला लगा है और गुज्जर जरूर आएगा मेले में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आप देख सकते हैं नहीं काफी जबरदस्त यहाँ का माहौल है। अभी मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आनंद ले रहा है। संतरे, मौसम्बी, झूले, चश्मे, टोप, केप, फुग्गे, बॉल, बैग, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बाद ये ऐतिहासिक मेला लगा है। तो चलो आगे चलते हैं। और हाँ भाई, अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ पास से। बच्चा पार्टी झूल रही है झूले, और ये भी है, पता नहीं इसको बोलते क्या है, जो भी है बट है। मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ हैं, और अभी इस वक्त फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरे बैग में बचपन का ये खास खिलौना था, उसमें जितना हम झूलते थे, अभी आप लोग देखो और एंजॉय करो। और पुनः प्रकाश वर्करे जी भजिया, और आज के दिन का पप्पू जी खास माहौल होता है, और गरम गरम जलेबियां निकल रही हैं। तो बस धनिया भाई बोना कह रही खा ले, 20 रुपए की जलेबी आई है,
और सभी से हमारा आग्रह है, कोरोना काल के बाद, दो साल के बाद यह विशाल मेला हम यहाँ इस कबीर पंथ की पवित्र भूमि में देख रहे हैं। यह स्थान बड़ा जागृत होगा, साधुवाद धन्यवाद कबीर पंथ के दरबार में। भाई बैठा दुकान में और अपनी चलो आगे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मेन गेट और यहां से सीधा एंटर होते हैं और पब्लिक का हुजूम आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या माहौल है। वहां से सीधे यूं भीड़ लगी है। ये मेन गेट है और पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। सद्गुरु साहब की जो समाधि स्थल है हम वहाँ आ चुके हैं और आप लोग मेरे चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है और कितनी यहाँ भीड़ है। काफ़ी अच्छा आज का यहाँ पर माहौल है और सभी लगे हुए हैं भक्ति भाव से। तो चलिए थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ समाधि स्थल पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलिए एक नज़ारा आपको वो भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये समाधि स्थल है और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ये हुजूम आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल है। देश प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं संत कबीर साहब के दरबार में और बहुत भीड़ है यहाँ पर। और समाधि स्थल वो है आप जैसे देख सकते हैं और बाहर का नज़ारा कुछ यूं है। इसी के चारों तरफ भीड़ भीड़ नज़र आएंगी और यहाँ पर कुछ बोलना चाहोगे? अरे बस बहुत देख रहे हो आप। तो काफ़ी तादाद में पब्लिक है क्योंकि दो साल कोरोना काल के बाद सब कुछ बंद था जिसके कारण आज यहाँ पर भीड़ का हुजूम लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी भीड़ है जिसके कारण मैं अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन आपको दिखाऊंगा ज़रूर अंदर से समाधि स्थल। तो चलिए आगे चलते हैं और भंडारा चालू है और सभी श्रद्धालु भंडारा का लुत्फ उठाते हुए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। भंडारे की एक झलक आप देख सकते हैं पूरी फुल व्यवस्थाएं के साथ पर भंडारा बन रहा है और इसी के साथ बहुत भीड़ है यहाँ पर।
तो तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जलेबियां भी यहाँ निकल रही हैं अभी सभी के लिए। तो कुछ इस तरह का माहौल है, पूरी व्यवस्थाएं में लगे हैं सभी लोग। और थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पर और कितनी भारी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर भंडारा की फुल व्यवस्थाएं हैं और थोड़ा आगे से दिखाएं। सभी भाई लोग लगे हैं यहाँ पर व्यवस्था में और मैं भी अभी एंटर हो गया हूँ। बहुत दिक्कतों के बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी मेरे को आने में बहुत परेशानी हुई और सभी साथ में हैं। चलो बैठकर नज़ारा दिखाता हूँ मैं क्या है। पचास रुपए में साहब से अर्जी करते हैं कि इनकी हर मनोकामना को पूर्ण। साहब की असीम कृपा देखिए, लगातार निरंतर हमें यहाँ भंडारा था, भंडारा में धनराशि प्राप्त होते हुए भंडारा निरंतर लगातार चालू है समस्त भक्त में। भंडारे में प्राप्त हुई है।